आप किसको? अरे इन्हीं इधर आ जाओ, मैं भी आपके जैसे हूँ। बिंदास आ जाओ कमरे में बैठो। क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट थे? अच्छे स्टूडेंट पढ़ाई या क्रिकेट में? क्रिकेट में। क्रिकेट में अभी तक तो नहीं हूँ, लेकिन सीख रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट बनूँ। लाइफ में कभी भी आप परफेक्ट या कभी कुछ नहीं बनते, हमेशा से आपकी कोशिश जारी रहती है। अगर आप अच्छा भी करो ना, कभी सोचना नहीं कि मैंने सब कुछ हासिल किया। ठीक है, टेंशन मत। क्रिकेट के प्रति अपना सपना कैसे बनाए रखना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इंजॉय करें। क्या अचीव करना है मुझे? ज़रूर एक गोल होता है, सबके गोल्स होते हैं, वो गोल्स बना के उसे भूल जाना चाहिए। हमेशा सिर्फ जो आप करते हैं, बॉलिंग करते हैं, तो उसे आप इंजॉय कीजिए। अपने आप आपको जो अचीव करना है ना, आप अपने आप अचीव करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मुझे ये लेना है, वो लेना है, तो वो चीज़ आपसे दूर जाएगी। ये लाइफ का ये है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, आपको इन जनरल ये करना है ना, तो आप चीज़ों को छोड़ दीजिए। गर्लफ्रेंड है? नहीं है? तो अगर आप गर्लफ्रेंड को पकड़ के रखोगे ना, भागने की कोशिश करेंगे। गर्लफ्रेंड को पकड़ोगे ही नहीं ना, तो अपने आप पास में आएगी। ठीक है, सिंपल। सर, किसने आपका क्रिकेटर बनने के लिए प्रेरित किया? मेरे क्रिकेटिंग जो रोल मॉडल है वो सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ है। उनको हमेशा से मैं बचपन में देखता था टीवी में। हमें बहुत बार ऐसे हुआ है कि खाना नहीं खाया जब वो बैटिंग करते थे, और आई थिंक उनको देखते हुए बड़ा हुआ। बट उनके अलावा मेरे पापा ने मुझे बहुत प्रेरित किया। हमेशा से कहते हैं कि अगर आप बड़े क्रिकेटर बनोगे तो लोग ज़रूर आपके पीछे आएंगे, लेकिन मैं आपको जब मानूंगा, जब एज अ पर्सन, एक इंसान के तौर पे लोग आपको जानेंगे और पीछे आएंगे, तभी आप मेरे लिए बड़े हो। वी ऑल नो अजू इज अजिंक्यस पेट नेम, एंड बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी हाउ ही गॉट जिंक्स द नेम। आई मीन आई नो इट, मोस्ट ऑफ माई नॉट नो इट, एंड दिस गाइस आल्सो माइट नॉट नो इट। सो अजू, नाउ दैट यू गॉट टॉकिंग, स्टार्टेड टॉकिंग टू देम। तो मेरा जो पेट नेम है, जो मुझे घर पे बुलाते हैं, वो अजू है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये जिंक्स शुरुआत की ना, ये शेन वॉन जो है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने शुरुआत की। उसके दो रीज़न थे। एक पहला सबसे सिंपल रीज़न उन्होंने मुझे दिया कि आपका नाम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता। अजिंक्य उनके लिए बोलना बहुत मुश्किल था, तो उसका अजिंक्य का उन्होंने जिंक्स शॉर्ट फॉर्म किया। तो मैंने कहा कि मेरा नाम बहुत अच्छा है यार, उसका जिंक्स मत कीजिए आप मुझे। तो उन्होंने कहा मुझे कि जिंक्स बुलाता हूँ। उसका रीज़न ये था कि मैं जो भी अपोनेंट्स के साथ मैं स्कोर करता था, तो आप अपोनेंट्स के लिए जिंक्स है। तो ये उन्होंने मुझे रीज़न दिया। अभी कितना सच झूठा नहीं पता, बट ये मैनी आई मीन एंड एवरी वन गोज थ्रू दैट। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड इन्जॉय योर स्ट्रगल। वॉट वी डू इज़ वी ओनली इन्जॉय आर सक्सेस, बट वी शुड इन्जॉय आर स्ट्रगल, आर फेलियर्स, एंड ट्राई एंड लर्न फ्रॉम देम। As a cricketer, you respect each and every individual, groundsman, anyone. You enjoy, you respect them. Your attitude matters a lot on and off the field. Attitude during practice sessions matters a lot. Sometimes things will not go your way, but it's important that you try and work hard and hard and hard. So for me, what mattered is my attitude and my work ethics on the field. In a captainship, who do you follow, since you are also leading the sides, and for Rajasthan Royals, then for Indian team? So who do you idolize as a captain? For me, everyone's style is different. My first international captain was MS Dhoni. I played under him, I watched him closely. Now I play under Virat Kohli. So everyone's style is different, but everyone's intentions are the same. Everyone's intention is to do well for their country, bring best out of their players, and how can we win the matches and win the series. Personally, I learned a lot from MS, I learned a lot from Virat, I'm still learning a lot from Virat. I played under Shane Warne in Rajasthan Royals, I played under Sachin Paji, Rahul Dravid, so yeah, all are great. Mumbai cricket is definitely very special for me, and midday, I still remember my first article in midday. I think I was under 14 or under 15,
and I used to get so excited to see my name in the newspaper. Good thing about you guys is you follow local cricket. From school cricket, college cricket, all the tournaments, all the club tournaments, and that's a special thing. Capturing each and every tournament in Mumbai, because we play so many matches in Mumbai. And Mumbai cricket is really in my heart, and it's not easy to capture or to go and see each and every matches, school cricket, club cricket. But I still feel that you guys should promote more school cricket and college cricket. It will be good for Mumbai cricket, that so that they can develop each and every youngster, and Mumbai Ranji team, senior team, can do well in coming years. So that's my agenda. I mean, giving more importance to the youngsters, school level, club level, and college cricket. And I'm sure Mumbai will do well. Ajit, thank you so much for coming to the midday office, and all the best ahead in England. Thank you so much.